हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज इमरान अब्बास और आज हम आए हैं बाबू कराची पराठा कबाब के ऊपर। और यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हमजा भाई ने हमें रिकमेंड किया है, तो आज इनका फूड एक्सप्लोर करेंगे और स्पेशली हम इनकी बिहारी बोटी ये टेस्ट करने के लिए आए हैं और आपको दिखाएंगे कि बिहारी बोटी का टेस्ट कैसा है। और यहाँ के ऑनर से भी बात करेंगे कि वो कब से यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनको कितना अर्सा हो गया है ये काम करते हुए। तो चलते हैं बाबू कराची वाले के पास। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता। वालेकुम अस्सलाम। कल आप कब से यहाँ पे बैठे हैं? जी बैठे हैं यहाँ 22 साल से काम है मेरे यहाँ। और बाबू भाई बाबू कराची कबाब पराठे के नाम से मैंने यहाँ पर मेरे ये चिकन बिहारी बोटी है। बहुत देर का मेरा खाने पीने का काम है मेरा, 100 साल का मेरे माँ बाप यही का, ये रेसिपी मेरे माँ बाप की दी हुई है, अल्लाह का बड़ा करम है। ये यहाँ पर गोला कबाब बिहारी बोटी चिकन बिहारी वगैरह मिलता है यहाँ पर, ये इमली की चटनी पूड़ी परोठा ये कुछ मेरे पास होता है। और उसके कर्म से मैं पहले नहारी का काम करता, पुलाव दबे का काम करता था, अब मैं यही बारबी का काम करता हूँ। तो अंकल आपके यहीं पे ही चैन है या मुख्तलिफ जगह पे भी आपकी मुख्तलिफ शहर? एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर है। अभी मैंने दूसरी ब्रांच निकली, आइंदा आपकी दूसरी, क्योंकि आपका बिहारी बोटी और डिफरेंट हमने देखा है कि बारबेक्यू का सामान बहुत ही टेस्टी है, आगे फ्यूचर में आप देखते हैं कि आप अपनी मुख्तलिफ चैन बनाएं। ये मेरे अपने हैं, मैं आगे किसी को नहीं देना चाहता, अभी मेरे बच्चे अपना करेंगे इंशाल्लाह, अभी आपको बताया जाएगा। अभी फिलहाल तो अभी एक इसी दुकान पर काम कर रहा हूँ। तो गाइस ये हमारी बिहारी बोटी और मलाई बोटी आ गई है जो हमने ऑर्डर किया था, ये आ गया है। और इसके साथ पूरी नमा पराठे होते हैं और ये खा के ही हम आपको बताएंगे कि ये कैसे हैं और आपको रिकमेंड भी करेंगे कि आप यहाँ पर आएं। और ये बड़ी हिडन जगह है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये इसका सलाद है और यहाँ पे इसकी ये चटनियाँ, साथ दही का रायता भी होता है। तो गाइस इस जगह पे हमें जिस शख्स ने बुलवाया है उसका नाम है डॉलर हमजा और ये हमारा सेकंड चमुस गैंग है। तो ये वैसे हिडन जगह है लेकिन इसको एक्सप्लोर करने में भी एक मज़ा है, डिश को टेस्ट भी करेंगे। और सबसे पहले हम आपको डॉलर हमजा से मिलवाते हैं कि उन्होंने ये जगह कैसे ढूंढी और कब से वो यहाँ पे आके बिहारी बोटी को ट्राई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम यार इमरान भाई, मैं तो आपको पता है गुरबत के दौर में हम यहाँ पे आते थे, तब वसीर भी की थी बिहारी बोटी, तो हम लोग फिर पैसे वैसे मिला के खाते होते थे आके। इसकी तो भैया जब उन्होंने देखना है ना, हमारे बॉयज ने बड़ा शुक्र लगाना है बस तो हमें पसंद है यार, तो मैंने कहा यार आपको इधर। अब तो भाई ये मुझे ये बताइए आप कब से ट्राई कर रहे हैं आप? यार हम यहाँ से 6-7 साल से खा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी टाइम से खा रहे हैं, यूनिवर्सिटी हमारी पीछे पास ही है तो चिबुर्जी वाली साइड पे। तो हम फिर यहाँ पे आए थे तो अक्सर पहले टाइम पे खाने खुने किसी से ट्रीट लेनी है या कोई बस पैसे पूसे पूरे करने हैं किसी तरीके से। तो मैंने ये वैसे यहाँ पे ये देखा है कि यहाँ पे बस कोई मतलब फोर स्ट्रीट वगैरह तो नहीं है, सिर्फ आमने सामने एक दो बड़ी शॉप्स हैं, तो बाकी सारा गुंजान बात है, मतलब रहायशी इलाका है ये। तो ये बताएंगे हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि ये जगह कौन सी है? यार ये बेसिकली गुलशन रावी एंड हो रहा है जहाँ पे LOS नाले के पास, तो यहाँ से नाला मुड़ता है डबल सड़कों की तरफ, तो उसके पास यहाँ पे ना दो शॉप्स हैं आमने सामने, बाकी पीछे सारा आपका पोश एरिया ही है। तो यहाँ पे मतलब हम तो क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी पास थी तो दोस्त वगैरह भी पीछे, तो हमें तो पता था यहाँ का, आमतौर पे लोगों को नहीं पता, आप लोगों को यार रास्ता नहीं समझ आया आते हुए। ये तो है, ये तो है, मैंने पिक किया आपको। अच्छा, इवन के मैं भी यहीं का मतलब करीब का ही रहायशी हूँ लेकिन मुझे पता नहीं चला था, कभी आया नहीं है यहाँ पे। हाँ उधर अंदर करके और दो ही शॉप्स है, नहीं पता चलता लेकिन चले कहीं नहीं, लेकिन बेहतरीन है यार ट्राई करेंगे। चलिए खाना गरम गरम है तो पहले इस पर तोड़ते हैं, तो फिर भाई उसके अलावा बात ही कोई नहीं होगी, पहले खाएंगे हम फिर बात होगी। और ये अहमद भाई जो है एक चम्मच बाइट लेने लगे, उसके बारे में बताएंगे कि ये कैसा है। जी अहमद भाई कैसा लगा? बहुत आला, बहुत मज़ेदार। मज़ेदार है, मज़ेदार, आप लोग भी हैं जरूर ट्राई करें।
10 में से क्या नंबर देते हैं इसको? 10 out of 10. 10 out of 10? यानी लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं? मिर्च मसाला बहुत अच्छा है और तंग ना करो, खाते हो ब्रेक लगाते हो। तो व्यूअर्स, सऊदी अरेबिया से बाबू भाई का खाना टेस्ट करने के लिए अब भाई आए हुए हैं। थोड़ा नाम सुना हुआ है, दो भाई ने भी कहा था आया हुआ, जरा कुछ खाएं तो बिस्मिल्लाह करेंगे। और यानी आप फर्स्ट टाइम खाने आए हुए? जी फर्स्ट टाइम खाने आए हैं। अभी खाया नहीं है? नहीं खाया। देखिए कैसा लगता है। आप सऊदी से हैं तो आप अलबेक के बारे में बताएं क्या? अलबेक आप बस देख लें, बेस्ट है, दुनिया में बेस्ट चिकन है वो। KFC और मैकडोनल्ड उसके आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है वहाँ की उसकी सॉसेस बहुत मज़ेदार, उनके पास वैरायटी बढ़िया है, गार्लिक सॉस है, थोम उसे कहते हैं, हुम्मक ऐसे वगैरह उन्होंने बनाए हुए हैं, स्पेशल सॉस बनाए हुए हैं और समूली के साथ खाते हैं वो, बने को होता है उनका। अना हुब्बक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अना फहीना। अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्या बोला, लेकिन आई होप जो भी बोला वो अच्छा बोला। अच्छा ही बोला। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।